हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से मेरे फ्रिज में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो पहले चलिए देखते हैं मेरे फ्रिज के ऊपर। सबसे पहले तो मैंने इस बॉटल को डेकोरेट किया हुआ है। इट लुक्स जस्ट ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। तो चलिए अंदर कैसे रखा है बताती हूँ। तो सबसे पहले इस यूटिलिटी बास्केट्स में मैंने यहाँ पे अचार जैम की बॉटल वगैरह रखी हुई है। ये एग ट्रे है। सो हियर आई हैव स्टोर्ड माय जमजम वाटर। नीचे की तरफ में मेयो ब्रेड, जस्ट मैं ठंडा पानी ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, तो जस्ट आई जस्ट हैव केप्ट ओनली वन बॉटल ऑफ वाटर। और इन बॉक्सेस में मैंने ड्राई फ्रूट स्टोर किए हुए हैं। यू मैट हैव सीन दीज बॉक्सेस इवन इन माई किचन। दीज आर पीडियाश्योर बॉक्सेस। तो ये बहुत अच्छे से यूज़ हो जाते हैं कुछ भी स्टोर करने के लिए। तो अब मैंने अंदर कैसे रखा है, फ्रीज़र है। तो यहाँ पे इस ट्रे में मैंने सारे चॉकलेट्स रखे हुए हैं। मिल्क भी लाती हूँ तो मैं इसी में स्टोर करती हूँ, लेकिन चॉकलेट्स मैं इसमें अंदर की तरफ उठा के रख देती हूँ, सो दैट माई डॉटर डजंट डिग इट आउट। अच्छा, तो पहले मैंने ये क्या किया है, यहाँ पे ये मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर, चिली, पुदीना, करी लीव्स वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे रखती हूँ। और तो इन बॉक्सेस में मैंने वेजिटेबल्स कट करके स्टोर किए हुए हैं। मैंने कोई ट्रे वगैरह कुछ भी दूसरा कोई बॉक्स या ट्रे वगैरह नहीं यूज़ किया है। मैंने सिर्फ ये इस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि इजी से वेजिटेबल्स काट कर रखते हैं। मैं वेजिटेबल्स को कट करके इस तरह ऑलरेडी स्टोर कर देती हूँ मिनिमम फॉर 3 डेज के लिए, ताकि पकवान के लिए बहुत आसान होता है। तो ऊपर मैं सिर्फ चॉप्ड वेजिटेबल्स, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली वगैरह रखती हूँ। तो नीचे की तरफ में, तो इसमें मैंने यूज्ड लेमन, जो हाफ बज गया हुआ है वो लेमन रखा है। तो नीचे की तरफ दूध, अगर कुछ भी सालन करी बज गया है या मेरा लेफ्ट ओवर राइस है तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अपने फ्रिज को मैं ज़्यादा स्टफ्ड नहीं करती। तो नीचे जो वेजिटेबल ट्रे के ऊपर कैसा होता है, यहाँ पे मैंने एक फ्रूट बास्केट लेकर अपने फ्रूट्स रख दिए हैं। तो नीचे इस ट्रे में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करके रखा है। मुझे इस तरह से स्पेशियस रखना पसंद है। मैं ज़्यादा स्टफ नहीं करती कुछ भी फ्रिज में। और ब्रेड को मैंने इसी कवर में स्टोर किया हुआ है जिस कवर में मैंने लाया था। इससे ब्रेड बिल्कुल भी सूखती नहीं है, अच्छी रहती है। अगर आप चाहते हैं तो किसी भी बॉक्स में काट के स्टोर कर सकते हैं। So this is how I have stored my fridge. Hope you like it. अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ जस्ट गिव इट अ थम्स अप। अगर अब तक आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग.